दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल फैक्ट शेयर पर। दोस्तों, मैं आज आपको ले जाने वाली हूँ दुनिया के सबसे अद्भुत और सहनशीलता वाले देश। इस देश को द्वीपों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीपों का समूह इंडोनेशिया में ही मौजूद है। यहाँ पर कुल मिलाकर 17,509 द्वीप है और इन्हीं से मिलकर ये खूबसूरत देश बनता है। दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है तथा विश्व में जनसंख्या के मामले में ये देश चौथे नंबर पर आता है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन लगभग 28 करोड़ है। अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात करूँ तो इसका एरिया 19,04,569 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी सीमाएं मलेशिया, पपुआ गिनी और तिमोर लेस्ट से जुड़ी हुई हैं। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता शहर और यह सिटी पूरे इंडोनेशिया का सबसे बड़ा शहर भी है। इतना ही नहीं, विश्व में दूसरा सबसे घनी आबादी वाला शहर भी जकार्ता ही है, जबकि पहले नंबर पर जापान का टोक्यो शहर आता है। यहाँ के लगभग 96% लोग पढ़े लिखे होते हैं और करेंसी के रूप में यहाँ इंडोनेशियन रुपया चलता है, जो कि भारत के 1 रुपए इंडोनेशिया के 0.0053 पैसे के बराबर आते हैं। मतलब यहाँ कुछ ही 1,000 रुपए में आप करोड़पति कहलाएंगे। इस देश में अगर धर्मों की बात करी जाए तो यहाँ पर 87% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, पर हैरानी की बात यह है इतनी ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद इसे संविधानिक रूप से इस्लामिक कंट्री नहीं कहा जाता। दोस्तों, इंडोनेशिया के लोग बहुत उदार भाव के होते हैं, जहाँ आपको संस्कृति और सहनशीलता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। यह मुस्लिम बहुमत देश है, फिर भी यहाँ के लोग रामायण और महाभारत को अपनी संस्कृति का अहम हिस्सा मानते हैं। साथ ही इनके ग्रंथों, उपदेशों और विचारों को अपने जीवन में अपनाते भी हैं। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय चिन्ह भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ पक्षी से लिया गया है। इसके अलावा यहाँ की नेशनल एयरलाइन भी गरुड़ एशिया है। और तो और, यहाँ के 20,000 के नोट पर भगवान गणेश की प्रतिमा भी दिखाई देती है। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ धर्म से भी पहले संस्कृति को माना जाता है। यही कारण है इस देश में सभी धर्मों का आदर और सम्मान किया जाता है। दोस्तों, इस देश को बहुत से टिक्टोनिक प्लेट ने घेर रखा है, जिसके कारण यहाँ काफी ज्यादा भूकंप आते रहते हैं। यहाँ पर लगभग 400 के करीब एक्टिव ज्वालामुखी है, जिसके कारण इस देश को खतरनाक भी माना जाता है। और यही कारण है यहाँ एक ही दिन में 2 से 3 बार हल्के भूकंप आते रहते हैं। मुस्लिम बहुमत देश होने के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर भी यहीं पर बना हुआ है, जिसका नाम बोरोबुदुर है और यह जावा आइलैंड पर स्थित है। साथ ही इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा फूल रफलेसिया भी इंडोनेशिया में पाया जाता है और इस एक फूल का वजन 2 से 2.5 किलो होता है। दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली भी आपको इसी देश में घूमती हुई मिल जाएगी, जिसका नाम कोमोडो ड्रैगन है और यह छिपकली इंडोनेशिया का नेशनल एनिमल भी है। इस देश के द्वीप समूह में सबसे प्रसिद्ध है बाली। बाली एकमात्र ऐसा द्वीप है जहां हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके अलावा इंडोनेशिया में टूरिज्म से यहां की सरकार काफी ज्यादा पैसा कमाती है और बाली द्वीप यहां आने वाले पर्यटकों का सबसे पसंदीदा स्पॉट है। अगर आपको उगते सूरज का अद्भुत नजारा लेना है तो फिर इस देश की एक्टिव ज्वालामुखी पहाड़ी माउंट बतूर से बेहतर और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी सैलानियों की भीड़ अच्छी खासी पहुँचती है। 2 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद यह अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इन सब चीजों के अलावा तीर्थ एम्पुल मंदिर अपने पवित्र पानी के लिए भी काफी मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आने वाला हर इंसान अगर इस होली वाटर से नहाता है तो उसके शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। इंडोनेशिया ही दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल का प्रोडक्शन करता है। इंडोनेशिया के बाली द्वीप के बीचेस पे आपको काफी हसीन नजारे देखने को मिलेंगे और यह शादीशुदा जोड़ों की भी पहली पसंद रहता है, जिसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो यह देश काफी सस्ता है और दूसरा यहाँ के लोग अच्छे भाव रखते हैं। ये थी इंडोनेशिया से जुड़ी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो इसे एक लाइक देने के साथ
चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले।